जय श्री कृष्णा गाइस, आप सभी लोगों का स्वागत है मार्केट मंथन स्पेशल एपिसोड यानी कि पावरफुल कॉन्सेप्ट्स में। इस कॉन्सेप्ट्स के माध्यम से मैं कुछ एक नहीं दो नहीं 40 50 100 200 एपिसोड्स बनाने वाला हूं। कोई लिमिट नहीं है, जितनी लर्निंग हो सकती है उतनी लर्निंग अपने 17 साल के एक्सपीरियंस से आपके साथ शेयर करने वाला हूं। मैं बात करने वाला हूं कुछ ऐसे हिडन फैक्ट्स के बारे में जो आपको ना किसी किताब में ना किसी यूट्यूब में मिलेगा। ये प्योर 17 साल का एक्सपीरियंस है, इसी को निचोड़ कर मैं आप लोग जो ऑब्जर्वेशन है मेरा वो मैं आप लोग शेयर कर रहा हूं। बस आप लोग का आशीर्वाद चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं एक ऐसे कंसेप्ट के बारे में बात करने वाला हूं, है बहुत छोटा सा पैकेट लेकिन बहुत बड़ा धमाका करता है, यानी कि एक मॉन्स्टर कैंडल के बारे में बात करने वाला हूं। मॉन्स्टर कैंडल इन द सेंस, आपके अगर आसान शब्दों में लैंग्वेज में समझाऊं तो आप इसको बोलते हैं माराबुजू कैंडल। माराबुजू कैंडल कहां पावरफुल है, क्यों पावरफुल है, उसको कैसे यूज करना है, वो नहीं जो आपने किताबों में पढ़ा है। मैं जो पढ़ाने वाला हूं ना किसी किताब में ना कंसेप्ट में, यहां पे मैं सिर्फ अपना ट्रिक दूंगा, लॉजिक दूंगा, कंसेप्ट बताऊंगा और फिर देखो मल्टी बैगर स्टॉक्स आप आइडेंटिफाई कर सकते हो इस माध्यम से। और ये कुछ 10-20-40-50% का ROI नहीं, करीब करीब 100-200-400-500-1000% का ROI इसने दिया है। बैकटेस्ट दिखाऊंगा, जो स्टॉक बोलोगे उसके अंदर बताऊंगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक सिंपल सा जो कंसेप्ट मैं आपको बात करने की कोशिश कर रहा था, माराबुजू कैंडल, एक पावरफुल मॉन्स्टर कैंडल, मैं इसको बोलता हूं मॉन्स्टर कैंडल है ये वैसे कचरा कैंडल, इसके ऊपर मैं कभी ट्रेड करने का नहीं सोचता, लेकिन इसके ऊपर आप इन्वेस्टिंग कर सकते हो, स्विंग ट्रेड कर सकते हो, ब्रेकआउट स्टॉक आइडेंटिफाई कर सकते हो। कैसे, आप ये समझते हैं। तो मैं पहला एक सिनेरियो समझाना चाह रहा हूं, यानी कि पहला सेटअप मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, फर्स्ट सेटअप, ठीक है। ये फर्स्ट सेटअप हमारा रहेगा क्या, ये एक छोटा सा कैंडल जो कि बना है, बड़ा सा पावरफुल कैंडल होगा, ये पूरी की पूरी बॉडी होगी। अगर मैं बात कर रहा हूं, ये ग्रीन कलर की बॉडी है, अगर ये ग्रीन कलर की बॉडी है तो मुझे इसमें ब्रेकआउट पे बाइंग करने का सोचना है। क्या ऐसी ब्रेकआउट में बाइंग करने का नहीं, इसके पीछे कंडीशन है, क्या लॉजिक है वो ध्यान से समझना। अगर मैं बात कर रहा हूं, ये ग्रीन कैंडल है राइट, तो ग्रीन कैंडल के सिनेरियो के अंदर हमें बहुत सारे कैंडल्स इसके अंदर चाहिए, यानी कि इनसाइड कैंडल्स चाहिए, बहुत सारे कैंडल्स इसके अंदर। अब आप कुछ लोग बोलेंगे, सर कितने कैंडल्स चाहिए, 2, 4, 10, 15, जितने ज्यादा कैंडल हो उतना पावरफुल ये ब्लास्ट करता है। अच्छा, अब कुछ डूज भी हैं, डोंट्स भी हैं। डूज तो बता रहा हूं, वीडियो के लास्ट में डोंट्स बताऊंगा, तो वीडियो को भगा के नहीं, सिंपल समझने की कोशिश करो। एक पावरफुल कैंडल का हाई मार्क कर लिया, इसका लो मार्क कर लिया, मॉन्स्टर कैंडल ये है, इसी के अंदर देखो बहुत सारे कैंडल्स हमारे इसके इनसाइड आ गए, आगे चाहिए रेड हो ग्रीन हो आई डोंट केयर, बट इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है, लो के नीचे नहीं जाना चाहिए, ये लो के नीचे नहीं जाना चाहिए, ये जो स्विंग बना रहा है ये लो के नीचे नहीं जाना चाहिए, ये पहला कंडीशन है। अगर इस पावरफुल कंसेप्ट के अंदर बहुत सारे कैंडल बन रहे हैं तो मेरे दोस्तों जब भी ये हाई ब्रेकआउट करके जो कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो जाएगा, बस उसी कैंडल के ऊपर आपको यहां पे बाइंग करने का सोचना है, बात खत्म। स्टॉप लॉस रहेगा, जो भी यहां पे स्विंग मिलेगा उसका आपको स्टॉप लॉस लगा के यहां पे ट्रेड करना है। टारगेट कम से कम 1:2, 1:3, 1:4, 1:5 के हिसाब से होगा, या फिर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को फॉलो कर सकते हो और अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हो। अब आपके मन में आ रहा होगा, यार ये तो मैंने कहीं सीखा हुआ है, ये तो ऑलरेडी ब्रेकआउट स्टॉक है कि 52 वीक हाई के ऊपर आ जाए और मार्केट वहां से अगर झूलने लग जाए और फिर वो नहीं गिरे उसके ऊपर ब्रेकआउट हो तो पावरफुल काम करता है। मैं ये नहीं कह रहा कि सर काम कुछ करता है या नहीं करता है, काम सब चीज करती है, बट आपको कितना बिलीव है। मेरे को इस कंसेप्ट में कुछ डूज डोंट्स हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा और फिर बताना मजा आया कि नहीं आया, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं, ये पहला कंसेप्ट समझ में आया क्या। अब मैं बात कर रहा हूं सेकंड सिनेरियो की, सेकंड सेटअप में क्या होगा, सेम एक पावरफुल मॉन्स्टर कैंडल, डन, जिसको मारा मुझे कुछ भी बोलो मॉन्स्टर कैंडल, मैं बोलता हूं इसको एक पावरफुल मॉन्स्टर कैंडल। अब हो सकता है इस तरह से चलता रहे, यानी कि जो 50% बॉडी है इसके ऊपर ही ये मार्केट यहां पे सस्टेन करता रहेगा, काफी टाइम तक होल्ड करता रहेगा, ठीक है। बेस्ट टाइम फ्रेम कौन सा है वो भी बताऊंगा, वीडियो के एंड पे रहना। ये सेकंड सिनेरियो। इफ आई टॉक अबाउट थर्ड सिनेरियो, इसमें भी एक मॉन्स्टर कैंडल, सेम मॉन्स्टर कैंडल का ही लॉजिक है। अब ध्यान से समझना, ये जो लो बताया हो सकता है मार्केट में इस तरीके का सिनेरियो, यानी कि इनसाइड के अंदर 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 इस तरीके से बनते चले जाए तो भी आपको दिमाग नहीं लगाना है। मान लो मैं एक लाइन अगर मैंने विक्स लगाई होती मैंने यहां पे, तो देखो कहीं ना कहीं ये इस तरीके का, क्या बोलते हो आप इसको, ट्रायंगल बोलते हो, कौन सा, असेंडिंग, डिसेंडिंग या सिमेट्रिक,
कमेंट करके मुझे बताना ये आप लोग ले छोड़ दे रहा। तो क्या दुनिया क्या करती है, यहां पे आप बाइंग करने का सोचते हो, मैं यहां पे बाइंग नहीं करने वाला हूं, बात खत्म। मैं स्टिल वेट कर रहा हूं कि मार्केट दोबारा अगर इस रेंज को ब्रेकआउट करेगा और यहां पे कैंडल क्लोज होगा, इसके ऊपर जब जाएगा देन ओनली आई विल थिंक फॉर द बाइंग साइड। तो तीन कंसेप्ट मैंने आपको देने की कोशिश करी है, ये थर्ड सेटअप है। अगर मैं दूसरे सेटअप की बात करूं कि मार्केट यहीं से हो जाएगा, और तीसरा सेटअप की बात करूं कि मार्केट आएगा, लो तक आएगा बट लो ब्रेक नहीं करेगा, इसका मतलब क्या है, इसके पीछे लॉजिक क्या है, वो समझने की कोशिश करना। जब ये मॉन्स्टर कैंडल बनता है ना, जब ये पावरफुल मॉन्स्टर कैंडल बन रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं डिमांड आई है, जबरदस्त डिमांड है, देख के ही समझ में आ रहा है। अब इस डिमांड सस्टेन कर रहा है जिस ऑपरेटर ने यहां पे बाइंग किया है, क्योंकि यहां आपने और मैंने तो बाइंग नहीं किया, इतना बड़ा कैंडल बना रहे हो, 50 पॉइंट का, 100 पॉइंट का, 70 पॉइंट का, 10 पॉइंट का, 50, जो भी आप पैटर्न देख रहे हो, तो अगर इतना बड़ा कैंडल बन रहा है तो ये आपके और मेरे अब्बा के बस का तो नहीं है। किसके अब्बा के बस का है? ऑपरेटर के अब्बा का बस का, यानी कि कोई ना कोई तो पावरफुल यहां पर बायर एक्टिवेट है। यस सर नो, बायर एक्टिवेट है। अब ये जो बायर एक्टिवेट है, क्या इसने, मान लो इसके पास 1000 करोड़ का फंड है, मान लो इसका 1000 करोड़ का फंड है, क्या इस एक सिंगल कैंडल में क्या वो 1000 करोड़ डिप्लॉय कर देगा? कर देगा नहीं, कर पाएगा ना, पॉसिबल ही नहीं, सर्किट ही लग जाएगा। तो वो क्या करता है ऑपरेटर, बहुत स्मार्ट होता है, वो एक बड़ा सा मूव दिखाता है, मूव दिखाएगा, अब धीरे धीरे अपना माल इस जगह पर क्या करेगा, एक्युमुलेट करता जाएगा, धीरे धीरे माल अपना इस जगह पे एक्युमुलेट करता जाएगा। अब आप अगर स्कैनर की बात कर लो, चलो आपने स्कैनर लगा लिया, आपने कैंडल आइडेंटिफाई कर लिया, नीचे अच्छा खासा वॉल्यूम आइडेंटिफाई कर लिया, आप क्या करते हो, जैसे ये ब्रेकआउट होता है आप कूद जाते हो, बाइंग करने बैठ जाते हो, करते हो, नहीं करना है, डोंट मारा है, नहीं करना है। मैं ये कंसेप्ट बताऊंगा कब फेल होता है, डोंट वरी एट ऑल। अब ये बायर है, 1000 करोड़ का फंड लेके बैठा है, तो क्या यहां पे एकदम से बाइंग करना है? नहीं भाई, 1000 करोड़ पॉसिबल ही नहीं है, इसी इतने से कैंडल में 1000 करोड़ पे डिप्लॉय कर देगा, तो वो क्या करेगा, हो सकता है 10 करोड़ का माल यहां पे खरीदेगा, 10 करोड़ का यहां, 10 करोड़ का यहां। तो इस तरीके से इस सिनेरियो के अंदर वो अपना माल, जो भी उसको लेना है कि एक पर्टिकुलर शेयर में इतनी क्वांटिटी रखनी है, 1%, 2%, 5%, जो भी पोर्टफोलियो का डालना है, तो वो इस तरीके के सिनेरियो में डालेगा, और यहां पर एक 10%, मान लो उसको 1000 करोड़ में से 200 करोड़ रुपए डालना है, 200 करोड़ में से 180 करोड़ रुपए डाल दिए, धीरे धीरे अब 20 करोड़ रुपए एक झटके में इन्फ्यूज करेगा, और इन्फ्यूज करने के बाद मार्केट इस तरीके के से मॉन्स्टर कैंडल बनेगा। इस तरीके का सिनेरियो, ये छोटा सा है बट सर मैंने हर जगह देखा है, हर जगह इस सिनेरियो के बेसिस मैंने खुद का अपना पैसा डिप्लॉय किया है। डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि सिर्फ आपके एजुकेशन पर्पस के लिए मैं अपना नॉलेज आपसे शेयर कर रहा हूं, बाकी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइस डिस्कस करने के बाद डेट करना। मैं अब आता हूं एग्जाम्पल के तौर पर। चलिए, मल्टी बैगर मतलब मल्टी बैगर कितने गुना, आप मुझे कमेंट करके बताना। सो चलिए दोस्तों, ये मैंने तीन कंसेप्ट आपको देने की कोशिश करी, पावरफुल कंसेप्ट लर्निंग वन में, एक मॉन्स्टर कैंडल लो तक जाएगा बट लो ब्रेक नहीं करेगा और फिर यहां से ब्रेकआउट होगा तो बाय अबव हियर। दूसरा मैंने सिनेरियो आपको बताया, जिगजैग के अंदर घुसता चले जाएगा, प्रेग्नेंट लेडी बनती चली जाएगी, उसका ब्रेकआउट आएगा। और तीसरा कंसेप्ट जो 50% के नीचे नहीं जाएगा, ऊपर ऊपर बेस बना के आपका करेगा। स्टॉप लॉस बता दिया, एंट्री बता दी, टारगेट बता दिया। अब इस सिनेरियो में, इस सिनेरियो में जो भी स्विंग लो होगा वो स्टॉप लॉस होगा। इस सिनेरियो में मान लो जो ये कैंडल, मतलब फॉर एग्जांपल इसका हाई है, जब ये हाई ब्रेकआउट होगा, यानी कि जब मॉन्स्टर कैंडल बन जाएगा, इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देगा और इसके ऊपर जब जाएगा, देन ओनली वी कैन थिंक फॉर द बाइंग। अब स्टॉप लॉस इसका ये रहेगा, जो भी ये जो इस तरह के इनसाइड, जो लास्ट इनसाइड कैंडल होगा वो स्टॉप लॉस रहेगा सेकंड सिनेरियो में। थर्ड सिनेरियो इफ आई टॉक अबाउट, तो देखो ये जो 50% का जो भी लो होगा, मैं ये नहीं कह रहा कि ये स्विंग लो होगा, जो भी इस तरीके के सिनेरियो में 50% का लो होगा, तो ये आपका स्टॉप लॉस होगा। एंड सिंपल एंड सेट रिलैक्स। अब एग्जांपल लेके चलता हूं आप लोगों के पास। पहला स्टॉक आयरकॉन, IRCON, पूरी दुनिया बात कर रही थी जब आयरकॉन में ऑलरेडी 100% के ऊपर का जब आरओ आ रहा था, यानी कि करीब करीब 150 रुपए से 170 रुपए का जब रेंज चल रहा था, जहां पे उसने होल्ड किया था, वहां पे दुनिया बात कर रही थी बाइंग करो, बाइंग करो आयरकॉन, रेलवे, ये वो वगैरह वगैरह। मैंने इसको 37 रुपए में बाई किया था पर्सनल पोर्टफोलियो में, और अब दिखाता हूं मैजिक, क्या मैजिक था। चलिए, अब आप देख सकते हो ये आयरकॉन का बिफोर वाला चार्ट है, डेली टाइम फ्रेम का। क्या कंसेप्ट है, सिंपल सा कंसेप्ट, एक रैली आई, मॉन्स्टर कैंडल, देखो दिस इज अ मॉन्स्टर कैंडल, देखा मॉन्स्टर कैंडल आने के बाद जो सेकेंड कैंडल है, इसने देखो इस हाई को ब्रेकआउट करने की कोशिश करी, देखो इसने इसको ब्रेकआउट करने की कोशिश करी। तो पहले कैंडल में नहीं काम करना है,
मॉन्स्टर कैंडल बनने के बाद जो इमीडिएट ब्रेकआउट आता है उस पे काम नहीं करना है. दिस इज डोंट्स, प्लीज नोट डाउन करिएगा, वीडियो को पॉज कर लेना, आराम से पॉज करते करते नोट्स बनाओ खुद से, और फिर जब आप मार्केट में अप्लाई करोगे आपको समझ में आएगा कि आपको करना क्या था और मैंने बोला क्या था. ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्या है, जब ये पहला कैंडल मॉन्स्टर बन जाएगा ये वाला, इमीडिएट जो सेकंड कैंडल ब्रेकआउट होगा नहीं काम करना है. सेकंड कैंडल के बाद आपको फिर इंटरेस्ट दिखाना है और उसमें काम कर सकते हो. इसके अंदर और पावरफुल कब बनेगा वो भी बताऊंगा. हैव पेशेंस, राइट. अब देखो, लो ये था, हाई ये था, बना 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 करने की कोशिश करी लेकिन क्लोजिंग नहीं दी. ये रेड कलर का जो मार्क है ये ऑलरेडी हाई बना हुआ है. करा 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 करा, वेट, पेशेंस रखना है. एक ट्रेंड लाइन बनता चले गया तो आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, ये आपका स्टॉप लॉस होगा क्या? नो, आपका स्टॉप लॉस इस जगह पे होगा. ये जो स्विंग लो है, दिस इज योर स्टॉप लॉस. पहले अपना कैपिटल बचाने की बात करो, प्रॉफिट बाद की बात है, मार्केट के ऊपर छोड़ दो. अब 89 रुपीज 35 पैसे चल रहा है ये लेवल. अगर ये ब्रेकआउट किया कितने पॉइंट्स का टारगेट होगा, 10%, 20%, 50%, 100%? बड़ा सोचते हैं, देखते हैं बड़ा क्या है. देखो 89 रुपीज में मैंने बोला था आपको बाइंग करने के लिए. नाउ यू कैन सी दिस इज आवर पैटर्न. यहां पे जो ब्रेकआउट हुआ, क्लोजिंग दी, आपकी एंट्री यहां पे आई, उसके बाद रुका नहीं, झुका नहीं, चलता गया चलता गया चलता गया. 89 रुपीज से मेड हाई, कितना 289, यू कैन सिक्स 280. आप ये चेक कर लो, सर 89 कहां, 280 कहां. दिस इज पावर ऑफ पावरफुल कंसेप्ट्स. मार्केट मंथन में आपका स्वागत है. इसी तरीके की नॉलेज मैं आपसे शेयर करने वाला हूं. आप लोगों का कमेंट, कम से कम 2000 कमेंट इस वीडियो में हुआ तो मैं एक और वीडियो बनाऊंगा नए कंसेप्ट के साथ, नए पावरफुल चीजों के साथ. वेट एंड वॉच. दिखा नेक्स्ट एग्जाम्पल, एक से दिल नहीं भरता, दूसरा दिखाता हूं आपको. रैली आई, वॉट एवर इट इज, आई डोंट केयर. मार्केट ऊपर रहा, नीचे आ गया, 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 वट एवर इट इज. अब आप इसको कह लो, क्या बोलते हो इसको, फ्लैग बोलते हो, क्या बोलते हो? आपके भाषा में फ्लैग पैटर्न बोलते हैं, राइट. आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन फ्लैग पैटर्न, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन टेक्निकल. वो सब चीज है, वो आप मल्टी कंफर्मेशन यूज करते हो कि फ्लैग भी आ गया, उसके बाद अब मेरा कंसेप्ट जोड़ते हैं इसमें, मेरा किंग रिसर्च का जो तड़का है, मार्केट मंदिर का जो तड़का है उसको लगाने की कोशिश करते हैं. इसने इसको ब्रेकआउट दिया, दिया ब्रेकआउट, ये देखो ये कैंडल ने ब्रेकआउट दिया. वेट, कहीं का जल्दी है भाई, प्राइस अभी भागे जा रहा है, कहीं नहीं भागे जा रहा. नाउ यू शुड हैव पेशेंस. अब इसने देखो यहां पे ब्रेकआउट दिया, अब सारा का सारा गेम इसी ब्रेकआउट कैंडल के अंदर है. देखो ये कैंडल जो कि एवरीथिंग इज इनसाइड कैंडल, देखो सारा का सारा इनसाइड कैंडल बन रहा है और इस कैंडल ने यहां पे ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट ऑफ दिस पर्टिकुलर रेंज. तो ये लो, ये हाई मैंने लगा दिया, इसके ऊपर क्लोजिंग दी है. कितना चल रहा था, 769, चलो 770 पकड़ लेते हैं राउंड फिगर में. 770 रुपए पे इसने बोला कि भैया मुझे पकड़ लो, छोड़ो मत, कुछ बड़ा दे सकता हूं. अब ये मैजिक है, ये मैजिक मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं. आप देख लो सर, 770 पे हमारी कहीं ना कहीं इसी ब्रेकआउट पे बाइंग आई थी, क्लोजिंग बेसिस पे हुआ, यहां पे आपकी एंट्री करी. 770 के बाद इमीडिएट बेसिस ने इसने 1400 रुपए तक का हाई बनाया, उसके बाद फिर इसने ब्रेकआउट करके 2100 के आसपास हाई बनाया. यानी कि 770 टू हाई कितना है, 2200. 770 से 2200 रुपए की रैली दी इसने नॉन स्टॉप, बिना रुके ना बिना झुके. याद है मैं हमेशा बोलता हूं, किंग रिसर्च का एक पेटेंट डायलॉग में हमेशा बोलता हूं, इन्वेस्टर बनना कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात यह है कि जब आप उस स्टॉक को पकड़ो वहां से वो नीचे नहीं हमेशा ऊपर ही चलता चले जाए, ना कि आप महंगे रेट पे खरीद के फिर एक्सपेक्ट करो कि ऊपर जा रहा है. सस्ते दाम पे खरीदना है, सही टाइम पे खरीदना है, सही स्टॉक को चूज करना है. वो कंसेप्ट मैंने आज आपको देने की कोशिश करी है. अब आप खुद बताओ यार, 770 से 2200 रुपए की रैली है ना मजेदार. चलो और सीख लेते हैं. थर्ड एग्जांपल जेनस पावर का, प्लीज ध्यान से समझिएगा मेरे दोस्तों. जेनस पावर देखो, एक रैली स्टे करा, पावरफुल मॉन्स्टर कैंडल बनाया और उसके अंदर ही सारे कैंडल आते चले गए. देख रहे हो, देख रहे हो,
एक और इसने रेंज यहां पे बनाना चालू किया, तो मैं क्या यहां पे इमीडिएट एंट्री करूंगा? नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल। जब मेरा ये ब्रेकआउट आ गया तब प्राइस चल रहा था करीब करीब 113 के आसपास, अगर ये सपोर्ट या रेजिस्टेंस की बात करूं, इसने क्लोजिंग यहां पे दी तो करीब करीब 120 रुपए का रेट चल रहा था। और 120 रुपए पर आपको क्या करना, आप समझदार हो, 120 रुपए से इसने मेड हाई 320 का इसने हाई बनाया। 120 से 340 कितना गुना हुआ? 200% ऑलमोस्ट आरओआई, 200% आरओआई। और जब आपने एंट्री मारी सीधे स्काई शॉट, टक टक अटका टक, दिस इज पावरफुल कंसेप्ट। ये मैं आपको सिखाने की बात कर रहा हूं। टारगेट आपका है दोस्तों, टारगेट आप लगाओ, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप लगाओ, कमेंट करके बताना, मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं आप लोग का आशीर्वाद मिलता रहे। इस तरह के कंसेप्ट मैं आपको सिखाना चाहता हूं, लर्निंग देना चाहता हूं। प्रॉपर टाटा इन्वेस्टमेंट का स्टॉक जो मेरे खुद के पोर्टफोलियो में 800% का आरओआई आ रहा है, 800% आरओआई आई एम गेटिंग इन माय टाटा इन्वेस्टमेंट का स्टॉक्स, आपको सेम लर्निंग, किसी किंग रिसर्च के ऊपर भरोसा करने की जरूरत नहीं है, बस आपको सीखना है और पैसा देखो। आया ये हाई ये लो, ठीक है, ब्रेकआउट हुआ, ये ब्रेकआउट होते ही क्या करना था? यस सर नो, आपकी एंट्री यहां पे बन जाती है, उसके बावजूद भी ये एक और मॉन्स्टर कैंडल लो नहीं टूटा। मैं फिर बता रहा हूं कि सर जब जब ये मॉन्स्टर कैंडल बनेगा इसका लो नहीं टूटना चाहिए, अगर इसने इसका लो तोड़ दिया तो ये कंसेप्ट हो जाएगा कैंसिल, यहां पे आपको कुछ नहीं करना है, फिर आपको वेट एंड वॉच करना है फ्रेश एंट्री का। तो जब ये लो नहीं टूटा तो वैलिड है, वैलिड है, वैलिड है, वैलिड है, ब्रेकआउट, यहां पे आपकी एंट्री है। उसके बाद देखो सर, ये जब एंट्री मिली 3250 पे एंट्री थी, नाउ मेड हाई 6474, कैलकुलेट कर लो 100% आरओआई कितने दिन में? दिस इज मंथली चार्ट, एक महीना, दो महीना, तीन महीना, चार महीने और ये पांच महीने, 5 मंथ में आपको अगर 100% आरओआई मिल रहा है, ऐसा कौन सा धंधा है दोस्त 5 महीने में 100% आरओआई? गारंटी कुछ नहीं है, बट क्या आप विनिंग सिचुएशन में बैठे हो? क्या आपके पास जो सेटअप है वो हाई प्रोबेबिलिटी विनिंग है या फिर लूजिंग सेटअप है? ये आपको फोकस करना है। क्या आप डिसिप्लिन ट्रेडर हो? अगर डिसिप्लिन ट्रेडर हो, एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ आप ट्रेड कर रहे हो और टारगेट का वेट कर रहे हो 1:2, 1:3, 1:4, 1:5, 1:1 मिल गया है, क्या 1:2 भी आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है मेरे दोस्तों। तो ये पावर है सिंपल कंसेप्ट की जो मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से शेयर करना चाहता हूं। वन मोर स्टॉक, टाटा मोटर्स, देखो, देख रहे हो कैंडल, ये सेकंड कैंडल को मैं हमेशा इग्नोर करता हूं, सेकंड कैंडल को डोंट्स में याद रखो, सेकंड कैंडल को इग्नोर करना है। वो हो सकता है कि आपको बेवकूफ बनाए, दुनिया को यहां पे बेवकूफ बना के बाइंग करा दे और उसके बाद झुला दे 4-5 दिन, जैसे 4-5 दिन 4 महीने आप झुल जाओगे ना, आप बकवास यार काट के दूसरी जगह लगा दो, क्योंकि हमारे पास कैपिटल होता है लिमिटेड, तो हम उसमें से काट के दूसरी जगह लगाते हैं और फिर जैसे दूसरे में लगाते हैं वो फंस जाता है, ये चल पड़ता है, फिर बोलता है अरे यार काश उसी में रहता तो ज्यादा पैसा बना लेता है ना। तो ये चीज ध्यान रखना है, बना ब्रेकआउट, क्या यहां पे एंट्री करनी है, आप समझदार हो, एक और बना ब्रेकआउट एंट्री 537 से बूम 921, दिस इज पावर ऑफ मंथली चार्ट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 महीने में, 9 महीने में 500 रुपए का माल 900 रुपए चल रहा है, ऑलमोस्ट 90% का आरओआई, और क्या चाहिए आपको? ये मैं आपसे शेयर करना चाहता था, ये एक गिफ्ट जो आप लोगों ने 5 लाख सब्सक्राइबर हमारे यूट्यूब चैनल को दिया, सब्सक्राइब इतने सारे फैमिली मेंबर्स हमारे डे बाय डे बड़े हो रही है और अब तो 6,10,000 मेंबर हो गए हैं। तो मैं चाहता हूं कि गाइस इस आशीर्वाद का जो गिफ्ट था, बहुत दिनों से पेंडिंग था, मुझे देना था नहीं दे पा रहा था, फाइनली वो टाइम आया और मैंने आपसे शेयर किया। तो कैसा लगा है मेरा गिफ्ट आप जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अब जैसे ये ब्रेकआउट हुआ, देखो सेम चीज बना, एक और कॉन्सेप्ट है, एक और सेम कॉन्सेप्ट है, बना इसी जगह पे, बना फिर से आया, फिर से रॉकेट। तो प्लीज 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 ध्यान रखिए, अपना अपने परिवार का ध्यान रखिए, सेटअप को लर्निंग करिए। आपको एक किताब पढ़ने में, यानी कि 250 पन्नों की किसी ने किताब लिखी है उसको पढ़ने में कितना टाइम लगता है? 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने में खत्म कर देते हो। लेकिन वो जो किताब 250 पन्नों की होती है ना सर, उसको लिखने में पता है कितना टाइम लगता है?
सालों साल अपना पूरा एक्सपीरियंस लगता है, तो मैंने अपना 17 साल का एक्सपीरियंस निचोड़कर आपको पावरफुल कंसेप्ट दिया है। सीखकर आगे बढ़िए। जय हिंद।